नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोरिया। दोस्तों, स्पर्मेटोरिया इसको रूटीन में सेमाइनल इमिशंस या नाइटफॉल भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में इसको स्वप्न दोष, धात रोग, धातु रोग या शुक्र में भी रूटीन में कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पर्मेटोरिया क्या होता है। दोस्तों, स्पर्मेटोरिया पुरुषों में पाए जाने वाली एक कंडीशन है और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पुरुष में अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध वॉलेंट्री अगर अपने आप वीर्य स्खलन हो जाता है, सीमेन निकल जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन को स्पर्मेटोरिया कहा गया है। दोस्तों, ये अलग अलग कंडीशंस में होता है। जैसे कुछ लोगों के अंदर रात को सोते समय किसी तरह का स्वप्न आते हैं के कारण या बिना कोई सपना आए हुए इस तरह की कंडीशंस हो सकती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि जब वो यूरिन पास करते हैं यानी जब पेशाब करते हैं तो उस टाइम वो आते हैं कि सर मैं यूरिन पास करता हूँ, पेशाब करता हूँ, उस समय मुझे लगता है कि कुछ मेरा वीर्य निकला है। उसी तरह से कुछ लोगों को जब वो सोच कर रहे होते हैं, अपना स्टूल पास करते हैं, तो उस टाइम उनको लग सकता है कि मुझे कुछ वीर्य निकला है। तो दोस्तों, ये जो अलग अलग कंडीशंस है इसको रूटीन के अंदर स्पर्मेटोरिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर कोई अनमैरिड होते हैं, खास करके अविवाहित मतलब जो लोग हैं, उन बच्चों के अंदर अगर ये कंडीशन होती है तो जो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई भी तरह की इसको आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर ऐसा कभी कभार आपके साथ 10-15 दिन में या 20 दिन में एक बार होता है तो एक नॉर्मल कंडीशन है जो आफ्टर मैरिज अपने आप ठीक हो जाती है, तो उसमें आपको कोई तरह के डॉक्टरी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल अपनी रूटीन लाइफ जिए, 100% ये नॉर्मल कंडीशन है, मैं आपको कहना चाहूंगा। दोस्तों, उसी के साथ, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है, अगर मान लीजिए कोई पुरुष है, उनको अगर डेली इस तरह से नाइट में स्पर्मेटोरिया हो रहा है और इस तरह की सिचुएशंस हो रही है, तो बार बार अगर इस तरह की कंडीशंस बनती है तो उसके कारण उनको फिजिकल वीकनेस आ सकती है, शारीरिक रूप से यानी कमजोरी महसूस कर सकते हैं, थकावट फील कर सकते हैं, या बार बार होने से थोड़ा सा डिप्रेशन या मानसिक तनाव भी महसूस कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, आप अपने डॉक्टर साहब से जाके मिलें, कंसल्ट करें और उसको आप प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो ट्रीटमेंट हो जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको स्पर्मेटोरिया का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कॉमन कॉज की हम बात करें, सब हर आदमी के अंदर अलग अलग कारण होता है, बट कुछ रूटीन कॉज जो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण जो यंग बच्चों में सबसे ज्यादा आजकल देखने को मिलता है वो है मैस्टरबेशन, या आप कह सकते हो हस्तमैथुन। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जो आजकल देखने को मिलती है। जब इसकी एक्सेस हो जाती है, कई बच्चों को जब इसकी हैबिट बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो उसके कारण देखा गया है कि उनको भी स्पर्मेटोरिया की शिकायत रहती है। दोस्तों, उसी तरह से मैं जैसे कह रहा हूँ, यंग बच्चों में आजकल एक और कॉमन प्रॉब्लम है कि हर टाइम जो नेट है, वीडियोज है, अगर आप हर तरह से वीडियोज वगैरह देख रहे हैं जो कि फालतू के वीडियोस हैं, या आप कह सकते हैं कि पॉर्न वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, आपके दिमाग में हर टाइम कुछ उस तरह के विचार अगर ज्यादा रह रहे हैं तो उसके कारण भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप इस तरह की चीजें जो है इनसे बचें और अपना हेल्दी जीवन जिए। उसी तरह से वो लोग जो हर टाइम तनाव में ज्यादा रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, उनमें भी अक्सर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। वो लोग जिनको कि कब्ज ज्यादा रहता है यानी कॉन्स्टिपेशन जिनको ज्यादा रह रहा है, जिनको सोच जब जा रहे हैं उस टाइम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, स्ट्रेनिंग करना पड़ रहा है, तो उसके कारण कुछ फ्लूइड आता है। वो बेसिकली आपका सीमेन या वीर्य नहीं होता, वो एक तरह का प्रोस्टेटिक फ्लूइड आप कह सकते हो, बट अक्सर लोग उसको कन्फ्यूज कर लेते हैं और कि मेरा वीर्य निकल रहा है, वो वीर्य नहीं है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं है, वो बिल्कुल ही अलग फ्लूइड होता है। तो कब्ज भी इसमें एक कारण होता है। दोस्तों, और उसके कारण जो है, बहुत से लोग जिनके अंदर की फिजिकल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, शारीरिक रूप से जो बहुत ज़्यादा कमजोर है, कई बार देखा मिलता है कि उन लोगों में भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं इस बीमारी के अंदर। सबसे पहली बात वीकनेस, यानी वो लोग जिनको मान लीजिए अगर डेली इस तरह का स्पर्मेटोरिया हो रहा है, नींद में इस तरह से बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, तो लगातार होने के कारण कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा शारीरिक वीकनेस आने लगती है, उनको मेंटली भी जो है मानसिक रूप से थोड़ा सा उदास रहने लगते हैं, और उनका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं अगर स्टडीज कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं उस तरफ डाइवर्ट होने लग जाता है। उसी तरह से ऐसे लोगों में अक्सर देखने को मिला है कि जो कई बार उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस उनको थोड़ा सा देखने को मिल सकती है, जैसे शीघ्र पतन वगैरह या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर डेली ये हो रहा है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का भी अपने को सामना करना पड़ सकता है। उसी तरह से आपको स्वप्न दोष हो सकता है, यानी जब आप नींद में हैं, जब आप सो रहे हैं, तो उस टाइम आपको कुछ इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आप नींद में हो, कोई तरह के आपको सपने आ रहे हैं इस तरह के, और उसके कारण आपको स्पर्मेटोरिया हो सकता है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है दोस्तों। इसी तरह से वो लोग जिनको काफ़ी कब्ज रहता है, मैंने कहा उनको उस टाइम कई बार लगता है कि कुछ फ्लूइड निकला है, जो जैसा मैंने अभी बताया, तो वो भी आपको महसूस हो सकता है।
दोस्तों अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसका होम्योपैथी के अंदर क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी के अंदर स्पर्मेटोरिया का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करें, उनसे अपनी प्रॉब्लम को जाकर इन डेप्थ डिस्कस करें, अपनी हैबिट्स को आप डिस्कस करें और एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप जाकर डिस्कस करें, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपको मेडिसिन देंगे आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगी और आप देखेंगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी ठीक होगी। क्योंकि दोस्तों होम्योपैथी के अंदर मतलब हर आदमी के लिए एक अलग मेडिसिन होती है, सेम डिजीज़ के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है। तो मेरा सजेशन कि आप नज़दीकी डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। और सेकेंडली जो इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यंग बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आप हर टाइम दिमाग में इस तरह के विचार ही नहीं रखें, है कि नहीं, जो आजकल मोबाइल है, वीडियो से एक्सपोजर बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण अगर दिमाग में हर टाइम आपके इस तरह के विचार ज़्यादा आ रहे हैं या इन चीज़ों में आप हर टाइम खोए हुए हैं, तो नेचुरली उन चीज़ों के कारण जब आप नाइट में सोएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उन चीज़ों से बचें, आप ग्राउंड में जाएँ, खेलें, कूदें, योगा करें और अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखें। ये मैं आपको एडवाइस करूँगा, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ उन होम्योपैथिक मेडिसिंस की जो इसके अंदर रूटीन में देखा गया है कि जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब हम उन होम्योपैथिक मेडिसिंस की बात करते हैं जो इसके अंदर रूटीन में जिनके कि अक्सर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है वो है स्टेफिसेग्रिया 30। दोस्तों स्टेफिसेग्रिया 30 पर्टिकुलरली वहां बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है वो लोग जिनको मैस्टर्बेशन की हिस्ट्री रही है और उसके कारण जिनको शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोरी फील होने लगी है, जिन लोगों को थोड़ा लगता है कि मेरा चेहरा ही अब थोड़ा सा पीला पड़ गया है, मेरे चेहरे में वो जो है डलनेस आने लग गई है, मेरे चेहरे पे उदासी दिखने लग गई है, जिन लोगों को लगता है कि मेरी आंखों के नीचे जो है ब्लू रिंग्स ही बन गई है, तो अगर इस तरह की वीकनेस आप फील कर रहे हैं, मेस्टर्बेशन की हिस्ट्री है और आपको स्पर्मेटोरिया भी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर स्टेफिसेग्रिया 30 बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसको हमें 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में दो बार लेना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फोस मदर टिंचर। दोस्तों एसिड फोस मदर टिंचर स्पर्मेटोरिया की अगेन एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर स्पर्मेटोरिया होगा और उसके अंदर आपको बॉडी में बाद में वीकनेस बहुत फील होगी। आपको लगेगा कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची, खास करके आपको लग सकता है कि मेरे पैरों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा। आप सेक्सुअली भी काफी वीकनेस फील कर सकते हो कि मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या मेरे को जो है शीघ्र पतन की प्रॉब्लम भी हो रही है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एसिड फोस मदर टिंचर की 10 ड्रॉप सुबह शाम आपको आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके छोटी छोटी घूंट सिप बाय सिप लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है सेलेनियम 30। दोस्तों रूटीन में देखा गया है कि सेलेनियम 30 ऑलमोस्ट हर प्रकार के स्पर्मेटोरिया के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप कह सकते हैं कि इसकी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है और इसको 30 पोटेंसी में सुबह शाम दिन में दो बार दिया जाना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है वो है साइलिसिया 30। साइलिसिया 30 भी स्पर्मेटोरिया की बहुत अच्छी मेडिसिन है, खास करके वो लोग जिनको लगता है कि उनको कब्ज रहती है और उनको जब कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उनको लगता है कि जब वो मल त्याग कर रहे हैं या सोच के लिए जा रहे हैं उस टाइम उनको लगता है कि नहीं हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि वीर्य निकल रहा है, जो कि मैंने बताया वो वीर्य नहीं होता, एक प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स है तो उसमें साइलिसिया 30 को सुबह शाम हमें लेना चाहिए। साथ में ऐसी कंडीशन में आपको डाइट के अंदर भी ध्यान रखना चाहिए कि आप फाइबर रिच डाइट वगैरह ज़्यादा रहे और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे। दोस्तों ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन होती है जो एज पर नीड और इंडिविजुअल केस में यूज़ की जाती है। दोस्तों कोई भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं घबराएं, अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कांटेक्ट करें, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से आपको लेनी चाहिए, कैसे उनको घर में स्टोर करना चाहिए, इसके लिए मेरा एक्सक्लूसिव वीडियो है एक हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको स्पर्मेटोरिया पे जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।